जय गुरुजी, गुरुजी को मेरा प्रणाम। गुरुजी के दरबार में आई गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत हो, उनको मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरुजी कि आपने फिर मौका दिया और आपके साथ बिताया हुआ जो वक्त है वो आप का आदेश था कि करते जाना, और वो वक्त फिर से हम उसको जीते हैं, तो उसका भी बहुत शुक्राना। आपके कहने अनुसार कि मेरा गुणगान कर, मेरा सत्संग कर, सो हम इस लायक तो नहीं है, बट वो आपका आदेश है तो आप ही बुलवाते हो और आप ही करवाते हो, ये इसका भी बहुत शुक्राना। हर चीज का शुक्राना जो आपने अपने पास बुलवाया, और 95 में आप मुझे बुला रहे थे, हर एक इंसान का वक्त आता है, जैसे आंटी ने बोला कि वो बच्चे के लाइफ में एकदम चेंजेस आए, पर गुरुजी हमको 95 से बुला रहे थे और हम लोग किसी, वो तो चलो जीसस को मानती थी, मैं तो किसी को नहीं मानती थी, ना कोई मंदिर, ना मस्जिद, ना गुरुद्वारा, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, ना कोई पंडित, ना कोई जोशी, कुछ नहीं था मेरी लाइफ में, ना कोई व्रत। और मनुष्य को भगवान मानना तो बहुत ही दैट वॉज द लास्ट थिंग इन माई लाइफ। और आज मैं खड़े होके गुरु जी अपना सत्संग सुनवा रहे हैं, तो दैट इट्सेल्फ इज अ मिरेकल, चमत्कार है ये भी, एक जो गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो हमारी पूरी फैमिली, पूरे खानदान, जैसे गुरुजी ने बोला, कल्याण करा दी दूर दूर के लोगों का, विदेशों का, देशों का। सो विद गुरुजीज ग्रेस, लाइक जो भी सत्संग में से कुछ ले जाए तो वो कल्याण ही होता है, क्योंकि सत्संग करने वाले का कल्याण, सुनने वाले का कल्याण। सो ये गुरुजी की लीला है, और गुरुजी हमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ भी नहीं, और हम इस लायक ही नहीं है कि हम उनको कुछ दे सकें। बस गुरुजी चाहते हैं कि लाइक सब ब्लेस हो और पॉजिटिव रहें, और क्योंकि डे टू डे लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी है और बीमारियां भी बहुत हैं, जैसा कि गुरुजी बोल गए थे, आने वाला वक्त बहुत माड़ा है, तो कैंसर और डिवोर्सेज एंड फ्यू नेम्स ही मेंशन कि वो होंगे इस लाइक का कुकर मुत्ता के जैसे, और दैट्स व्हाट वी आर सीइंग कि वो उनका उनका एक निकाला हुआ वचन था जो सच हो रहा है। आज कल ही मुझे एक और चीज पता चली, हमारा वहाँ गार्डनर आता है, तो उसका 10-12 साल का होता है, और ऑजी है, और आ नहीं रहा था, तो मैंने स्टाफ से पूछा कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा, लाइफ इज वॉट। और हम यहाँ गुरु जी के शरण में है, वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी के शब्द दिए हुए सुनेंगे, सुन रहे हैं और हीलिंग ले रहे हैं। गुरु जी भी उन शब्दों से हील होते थे, क्योंकि वो बहुत लोगों के कैंसर बैठे बैठे ठीक करते थे, जो हमको पता भी नहीं लगने देते थे। सो गुरु जी की हमारी बॉडी में क्या है हमको नहीं मालूम, बट गुरु जी को सब मालूम है कि आने वाला वक्त कैसा है। और ये गुरु जी के साथ का एक सत्संग है, और गुरु जी बुलवा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी, गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, और हम ऑलमोस्ट 7 साल के बाद गुरुजी के पास आए, जबकि गुरुजी 7 साल पहले से बुला रहे थे। तो एक दिन ऐसा आया कि तब भी आने का कोई हमारा पर्पस नहीं था, कि और कोई विश्वास नहीं था कि ये मनुष्य में जो बंदे बैठा है ये हमारे को कुछ देंगे, या लाइक देयर वाज नो टास्क, नो फेथ, नथिंग। यू पीपल आर सो ब्लेस्ड कि आज उनको भगवान मान के आ रहे हो, और प्लस आपको वो पीरियड नहीं फेस करना पड़ा कि कैसे गुरुजी भगा देते थे लोगों को, कैसे इंसल्ट कर देते थे, कैसे लोगों की फाइलें खोल देते थे, इट वाज वेरी टफ। तो इसलिए भी लोग नहीं जाते थे, क्योंकि वो लोगों को नहीं बिठाना चाहते थे, वो मीडिया में नहीं आना चाहते थे। सो वहां पर हम लोगों ने डॉक्टर नरेश त्रेहा जैसे लोगों को लंबे लेटे देखा, जो कि इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, खुद अपनी इन आंखों से देखा कि उसने कोई किसी का हार्ट का प्रॉब्लम थी, और
वो गुरु जी से मनी मन ऐसे बैठे हुए, सारी दुनिया बैठी है, क्या कौन क्या सोच रहा है, क्या मांग रहा है, नो वन नोज। लाइक उस समय तो ये होता था बस मिल जाए मिल जाए, इट वाज लाइक दैट, टाइम वाज लाइक दैट। और गुरु जी जबकि प्रवचन नहीं देते थे और बैठे बैठे ही बहुत चीजें समझा देते थे, तो उसकी सर्जरी थी। ऐसे कई सत्संग सुनने में मिलते थे, एक लेडी आई उसको लाइक उसकी कोई सर्जरी होनी थी, तो गुरुजी से बोला कि वो ब्लेसिंग्स लेने आए कि गुरुजी मेरी सर्जरी है और आप मुझे ब्लेस कर दो। बोले सर्जरी है तेरे तेनू की है? बोले मेरे को अपेंडिक्स की है, बहुत प्रॉब्लम है गुरुजी, और मुझे चंडीगढ़ से आई थी शायद, तो सब उनके साथ के ही सत्संग है तो उनके टाइम के, तो देन शी सेड कि मैं मेरी दो दिन बाद सर्जरी है तो गुरुजी मैं आपसे ब्लेसिंग लेने आई हूँ। कहने लगा तेरी हो गई सर्जरी, मैं कर देती। तो लाइक शी सेड कि ये यहाँ बैठे हैं और मेरी सर्जरी हो गई, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो वो चली गई और उसको लगा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, जो उसको वॉमिटिंग्स वगैरह आती थी, तो दो दिन बाद थी या हफ्ते बाद कुछ ऐसा था कि उसको लगा कि मेरे को तो कुछ फील नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, वॉमिटिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो उसको ये भी स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने कुछ किया है, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि गुरुजी तो बिन बोले ही सब कुछ कर जाते थे। सो देन शी फेल्ट आई एम ऑल राइट, और काफी टाइम के बाद उसको कुछ पेट में कुछ गड़बड़ हुई, तो उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था और स्कैन हो रहा था। देन रेडियोलॉजिस्ट सेड कि आपकी तो अपेंडिक्स बाहर निकली हुई है, तो आपकी सर्जरी हुई हुई है। तो शी सेड नहीं, मेरी कोई सर्जरी नहीं हुई। बोले कि ये देखो अल्ट्रासाउंड में कि वो काट के बाहर निकाला हुआ और स्टिच किया हुआ है अंदर। देन शी सेड कि कहा मेरे तो कहीं से तो काटेंगे डॉक्टर्स कि मेरा पेट काटेंगे तो उसको निकालेंगे, तो मेरे तो कोई स्टिच नहीं है, मेरी तो आज तक कोई सर्जरी नहीं हुई। बोला मुझे नहीं पता इसके अंदर आ रही है कि आपकी सर्जरी हो चुकी है, आपका वो निकला हुआ है। देन वो उसने कहा पता नहीं ये रेडियोलॉजिस्ट का कोई दिमाग ठीक नहीं है या क्या है, मेरी तो कोई सर्जरी हुई नहीं तो मेरे कैसे निकल सकती है। तो देन काफी टाइम बाद पंजाब की संगत को बहुत ज्यादा अलाउड नहीं था गुरु जी के पास आना, तो वो गुरु जी के गई और गुरु जी ने बोला चल खड़ी हो सुना अपना सत्संग। सो देन शी शेयर्ड हर सत्संग जो हुए थे उसके साथ, कहने तो ओ फिर तू भूल गई, जो तू तेरा मैं अपेंडिक्स था सर्जरी की थी ते ओ तू भूल गई ओ ते सुना। तो देन शी रियलाइज कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कि भाई वाह गुरु जी के कहने से भी सर्जरी होगी तो वो कौन हो सकते हैं, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई कितना भी जादूगर हो, कोई कौन हो, कुछ भी हो, तो वो तो किसी के भी बस का नहीं है। तो ये गुरु जी हैं, गुरु जी साक्षात ईश्वर धरती पर आए और अपने को उन्होंने कभी मीडिया में नहीं आने दिया, कभी उनकी कोई भी चीज मीडिया में नहीं आई, और वो संगत को ब्लेस करते चले गए, उनको बस वापस भेजते चले गए। कोई ऐसा नहीं था कि लाइक कि उन्होंने बोला कि तुम आओ, बहुत रेयर होता था जिसको बोलते थे कि आया करो, इसका मतलब बहुत गूर था, क्योंकि गुरुजी के आदेश से गुरुजी ने बोला तू लोगों को लेके आएगी दूर दूर के लोगों को एंड ऑल विद हिज ग्रेस, सेकंड कजिन थर्ड कजिन दूर दूर से रिश्तेदार पड़ोसी अड़ोसी, और आज तो फोन ही जुड़ा हुआ, खैर गुरु जी के मनुष्य रूप में भी आए वो लोग। तो गुरु जी बस चलो हो गया ठीक है, मिलाना होता था गुरु जी से, तो गुरु जी ऐसे ऐसे कर देते थे कई बार, चलो चंगा होया आ गए चंगी थां पे आ गए, इस तरह से कभी होता था, कभी लाइक बात ही नहीं करते थे, ऐसे हाथ से इशारा कर देते थे, बहुत रेयर होता था जो गुरुजी कभी किसी को बोलते थे कि कल्याण हो गया, दैट वाज वेरी रेयर। तो और एक दो लोग तो ऐसे भी आए कि हमको पता ही नहीं था ये पहले आ चुके हैं, देन गुरुजी सेट किया तो मेरे को पहले भी आया, फिर गुरुजी पूरी डेट पूरे वो कितने साल वो बता देते थे, तद आया सी और अपने सौरे ले आया सी, और सौरे को कैंसर सीगा तो मैं ठीक कर दिता सी पर ए फिर नस गया। तो अब हम उसको पूछा कि भाई वो हमारे बिजनेस पार्टनर थे,
तो हमने उनको बोला भी तुमने बताया ही क्यों नहीं, तो कहते नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं दो बार अपनी वाइफ के साथ गया था और मेरे फादर इन लॉ को कैंसर था। तो फिर मैंने कहा फिर वो कहते हाँ ठीक हो गए थे वो, तो मैं कहा फिर उसके बाद आप नहीं आए। तो वही गुरु जी का लीला, गुरु जी का बुलावा, गुरु जी का, फिर उसको कहते हैं उसकी वाइफ को तेरा डिवोर्स नहीं होया हाले। तो फिर उसको बड़ी गुस्सा चढ़ी कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। और फाइनली उसने जाना ही बंद कर दिया गुरु जी के पास। एक दो बार गए, कहते हैं अच्छा तेरा हाले डिवोर्स नहीं होया, तो देन नाउ टुडे शी इज डिवोर्सिंग। तो ऐसी ऐसी लीलाएं देखी है, तो कौन टिकता वहां पे लाइक दैट। और कोई आए जैसे कि किनू फड़ ले आई है, हूं आया है मुड़ के नहीं आऊगा। तो मैं कह रही मुड़ के नहीं आऊगा, बाद में जाऊंगा बाद में। तो मैं गुरु जी की तरफ देखूंगी, छह महीने बाद आ जाएगा, साल बाद आ जाएगा, अब ये नहीं पता। बाद का टाइम तो दुनिया पागल हो रखी है, जिसको देखो भागे चले जा रहा है, जिसको देखो जो गालियां देता था वो भी आज उनका दीवाना बना हुआ है। तो वो कैसे, वो कैसे, एक भगवान होता है, एक ईश्वर होता है जो अपना प्रचार नहीं करता, एक ईश्वर होता है जो लोगों को बैठे बैठे बिना कुछ बोले ब्लेस करता है, ईश्वर होते हैं जो डांट के भी उसमें आपका कल्याण है। इज नॉट की डांट पड़ गई तो गुरु जी कहते हैं बहुत बड़ा कल्याण हो गया। सो ए बड़ा बड़ा कल्याण करा गया, कल्याण के देयर सो मेनी मीनिंग्स। सो वो कौन है, वो एक साक्षात ईश्वर हमारे लोगों की लाइफ में आए, हम लोगों को ब्लेस करके गए, आगे अपनी लीला गाने को बोली और इस लायक रखा कि खड़े कैंसर में भी खड़े होके सुनवा रहे हैं। तो वो कौन हो सकते हैं, भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता। जो दे ही दे रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं बोला मेरे लिए ये करो ये मत करो, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो। और लाइक मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, तो वो वेजिटेरियन थे तब, तो वेजिटेरियन बाहर खाना जो है वेजिटेरियन नहीं मिलता था वो टाइम में 70s में। तो उन्होंने चिकन खाने का स्टार्ट किया, लाइक ग्रिल चिकन, वो भी ड्रम स्टिक, लाइक अपना टेस्ट डेवलप किया उसके अंदर। तो मैं वेजिटेरियन ही रही, मैंने नहीं कभी, फिर बच्चों को भी मैंने शुरू कराया कि, पर गुरु जी ने कभी नहीं बोला कि ये चीज छोड़ दो या वो चीज छोड़ दो या ऐसे नहीं करो। जिसके लिए नहीं अच्छा उसको बोल देते थे गुरु जी, वैसे तो चंगा नहीं, ये खाने हो तो ठीक है, तो अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। एक दिन मैं हम लोग कभी गुरु जी के पास ही भागते थे, समझ लो ऑल 7 days ही गुरु जी के साथ होता था। लाइक कोई दिन ऐसा मिल जाता था जब हम तो गुरु जी ने नहीं बुलाया, तो लाइक उस दिन हम लोग कभी कभी बाहर चले जाते थे। मेरे हस्बैंड बहुत फूडी हैं तो उनको रेस्टोरेंट जाने का बहुत शौक है, तो वहाँ पर फिर हम लोग लाइक उनको शौक बहुत है बट खाते क्वांटिटी बहुत छोटी है। अब दो जने क्या ऑर्डर करेंगे, तो वेजिटेरियन ही करते थे। तो एक बार मैं आगरा गई हुई थी, सो मेरे हस्बैंड वहाँ पर एक मॉल सिटी सेंटर खुला था गुड़गांव में, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, ग्राउंड फ्लोर पे, और काफ़ी फेमस था वो। तो मेरे हस्बैंड वहाँ चले गए और बोले, ऑर्डर करते करते उन्होंने वेजिटेरियन एकदम उनको स्ट्राइक हुआ कि ये तो है नहीं, आज मैं चिकन बर्गर खा लेता हूँ। तो ये ऑर्डर चिकन बर्गर, तो उनकी प्लेट में है और एकदम उनको दूर से दिखता है कि लाइक गुरुजी हैं वहाँ, तो उनके साथ एक दो संगत थी और यहाँ गुरु, और एकदम वो अपना बर्गर छोड़ के भागे और गुरुजी थे तो 3-4 लोगों के साथ, और गुरुजी को उन्होंने पैर छुए। चिकन बर्गर मतलब खा के भी लाइक एक दो बाइट तो खाई होंगी, तो भी गुरुजी ने नहीं बोला कि तू बर्गर चिकन बर्गर खा के आया तो तू मेरे पैर मत छू, नहीं। गुरुजी ने बहुत प्यार किया, ऊपर ले गए बोले, फिर किसी ने बोला कि भाटिया अंकल आप क्या खा रहे थे रेस्टोरेंट में, कि उसे कौन देख सकता है प्लेट के अंदर क्या, तो किसी ने बोला आप क्या खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने
चिकन बर्गर ऑर्डर किया था, तो मैं बस छोड़ के आ गया हूँ। तो कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं कि ए बड़ा शौकीन है, ए बड़ा फूडी है बाहर खान दा। आंटी गई है आगरे, उनको क्या पता मैं आगरा गई हूँ कहाँ गई हूँ, तो इतनी शेयरिंग थोड़ी होती थी गुरुजी के साथ। ए वेजिटेरियन ऑर्डर करते करते कहते आज मैं चिकन ही खा लूं। देख भाटिया ना चिकन पाड़े अंदर बैठा, और बर्गर के अंदर टिक्की कौन सी है, चिकन की है या आलू की है, तो वो तो खाली भगवान ही जान सकते हैं, उसके अलावा तो और कोई नहीं। तो उन अंकल ने गरेवाल अंकल है वहां पे, तो उन्होंने पूछा कि अंकल आप क्या खा रहे थे। ये सब लोग भी सोचते हैं कि भाई पूछ लें कि जो गुरुजी बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं। तो इस तरह के हम लोग हैं, चाहे कितनी लीलाएं देखी हो उनकी, कितना कुछ ना देखा हो, पर यही है हमारा जो मेंटेलिटी है, तो वही की वही रहती है। चाहे वो कितना भी कल्याण कर रहे हो, और लेकिन फिर भी हम उनको डाउट करते हैं। तो ये गुरुजी का फिर भी वो ब्लेस करते हैं, तो वो कौन है? आप कितनी गलतियां करते हो, माफ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। आप उनको मन ही मन कोसते हो कि गुरुजी हम क्यों आए आपके पास, ऐसा काम हो गया, ये हो गया, जबकि हमको ये नहीं पता उस काम के पीछे क्या ब्लेसिंग्स हैं, उसमें क्या कर्म काट दिए गुरुजी ने। तो वो भगवान ही काट सकते हैं। तो वो साक्षात ईश्वर इस धरती पर आए और हम सबका कल्याण करते चले गए, करते जा रहे हैं। उनके बाद का एक सत्संग है जब वो मनुष्य रूप छोड़ गए, क्योंकि मनुष्य रूप के तो बहुत सत्संग हैं और अनगिनत हैं कि उसका कोई अंत ही नहीं है। तो एक ऐसा सत्संग है कि जो आप लोगों के रोंगटे खड़े कर सकता है। इस लाइक मुझे गुरुजी ने मेरा ट्यूमर निकाला था 2.5 किलो का बना के, तो मेरे को पेन होती थी अपर एब्डोमेन में, तो उसी बिहाफ पे हम डॉक्टर के पास गए थे। तो वो सब गुरुजी की लीला थी, वो बड़ा सत्संग है, वो पहले कभी आई थिंक सुना चुकी हूँ, नहीं सुना चुकी, वो फिर करेंगे। आज गुरुजी कोई और सत्संग करवाना चाह रहे हैं। सो देन मुझे वो सब कुछ हो गया, पर मुझे वो पेन रहता था, ट्यूमर भी निकल गया, सब कुछ हो गया, बट आई यूज टू फील दैट पेन। तो मुझे ये लगता था कि लाइक ऑल डेज वी आर गोइंग टू गुरुजी, 1 या 2 डेज में सोते थे कभी कभी, तो देन पेन होने लग जाती थी। फिर मैं यही सोचती थी अरे कल तो जाना है, फिर लंगर खाना है और सब ठीक हो जाएगा, और मैं ये सोच के लंगर खाती थी और मैं ठीक हो जाती थी। एक पॉजिटिव थॉट था, मैं लंगर खाऊंगी गुरुजी का और मैं ठीक हो जाऊंगी, और मैं ठीक भी हो जाती थी। फिर देन जो नॉन संगत डे कभी आता था तो उसमें फिर पेन होता था। ऐसे करते करते मैंने कुछ डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि डॉक्टरों को दिखाओ, क्योंकि मेरे केस में भी उन्होंने बोला तू बीमार है जा अपना इलाज करा। तो मैंने काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, पर कोई भी डायग्नोस कुछ नहीं कर पा रहा था। सो देन ओके गुरुजी मनुष्य रूप छोड़ गए, तो मैं किचन में थी और तो वहां पे आंटियां सब बैठ जाते थे, हम मतलब बैठते क्या थे, 5-6 लोग ही होते थे किचन में, और लंगर बन रहा होता था लाइक यू नो। फिर वो कोई गॉसिप नहीं, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत प्यार से भाव से गुरुजी का लंगर बनता था। वो तो टाइम ही अलग था। तो आंटियां बोलती थी कि आंटी चलो शुरू हो जाओ, सत्संग सुनाओ, सत्संग सुनाओ, क्योंकि गुरुजी ने गुड़गांव में सत्संग करवाए थे इतने साल, तो वहाँ सत्संगों का भंडार था, तो उनको अच्छा लगता था आंटियों को, और जबकि वो बहुत पुरानी आंटियां थी, तो 80s की थी, कि आंटी चलो फिर कोई सत्संग सुनाओ, अच्छा आंटी ये सुनाओ, अच्छा वो या शब्द या सत्संग ये चलता था। तो उस दिन मेरे को पेन बहुत ज्यादा हो रही थी, तो एक आंटी ने ऑब्जर्व किया, करती होंगी मुझे, तो देन जब ब्रेक हुआ लंच का, तो मुझे साइड में ले गई, बोलती आंटी की भाटिया आंटी आपकी मैं बहुत दिनों से आपको देख रही हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और गुरु जी भी कहा करते थे इलाज कराओ, तो आप क्यों नहीं कराते। मैंने कहा हाँ आंटी, मैं अपनी बीमारी छुपाती हूँ बेसिकली, मैं नेचर ये है कि किसी को नहीं पता चले। तो देन शी सेड कि मैंने कहा मैंने और डॉक्टरों को दिखाया, आंटी कुछ नहीं निकल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लंगर खाती हूँ ठीक हो जाती। तो बोले तो आप उन दिनों मंदिर में 2 या 3 दिन लंगर होता था, तो फिर कहती है नहीं आपके घर के पास एक डॉक्टर रमन भैया हैं, तो वो डायग्नोसिस में बहुत अच्छे हैं, तो मेरी मदर को उन्होंने ठीक किया, सो मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन हमने प्लान किया तो वो मिले नहीं, फिर वो आर्टिमिस में थे, इतने में मेरे हस्बैंड देहरादून से आ गए, तो वो मुझे आर्टिमिस ले गए।
डॉक्टर रमन अभी के पास अपॉइंटमेंट ली, हमने वहां गए तो उसने जब सुना सारा कुछ तो कहता है एक काम करो आप ना एक लंग्स का एक्सरे ले लो। तो मैं अभी फटाफट लिख देता हूँ, आपको टाइम नहीं लगेगा और जब तक आप वहां से करा के वापस मेरे पास आओगे क्योंकि हॉस्पिटल काफी बड़ा है तो तब तक मेरे पास आ चुका होगा तो मैं आपको उस हिसाब से गाइड करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो हम करा के आ गए तो एक्सरे उसके मतलब उस पर स्क्रीन पे आ चुका था। देनी सेट की न्यूज अच्छी नहीं है। तो अभी क्या हुआ, कहते हैं कि आपका जो राइट वाला लंग है वो एनलार्ज है, उसमें सिस्ट है और उसमें पानी भरा हुआ है। सो इट्स वेरी बैड और आपको बहुत टाइम से पेन हो रहा है। सो इट्स नॉट अ गुड न्यूज। सो नाउ व्हाट विल डू, आपको अपर एब्डोमेन का स्कैन और अल्ट्रासाउंड होगा और उसमें बायोप्सी के लिए हम एक टैप करेंगे पीस निकालने के लिए। अगर टैपिंग हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको एडमिट होके कराना पड़ेगा। सो देन मैंने कहा ये गुरु जी ये क्या हो गया, लाइक आपने मनुष्य रूप छोड़ा और संगत वैसे ही सारी हिलनी पड़ी है कि आप अली कप्तीज में चले गए और सब क्वेश्चन करते हैं, अब ये क्या है। तो ये तो सबको पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं वो अल्ट्रासाउंड करे जा रही है और मैं रेडियोलॉजिस्ट और मैं बस गुरुजी को, गुरुजी मुझे बस अभी इसी वक्त उठा लो अपने पास, दैट्स द बेस्ट वे। तो और मुझे ये सब नहीं, लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, ये मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा था। सो देन क्या होता है कि इन द मेन टाइम डॉक्टर ने हमसे पूरी डिटेल ले ली थी। जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो टैपिंग हुई नहीं, देन ही सेड की टैपिंग तो हुई नहीं बट रिपोर्ट इज वेरी बैड। सो देन लाइक आप क्या, फिर एकदम कहता है कि आप देहरादून कह रहे हो दो हफ्ते के लिए, हम जा रहे थे। उसको बताया हमने कि हम तो ना जा रहे हैं, अभी हम बाद में करा लें। तो बोलता है नहीं, पहले उसने ये बोला कि एक एक मिनट आपके लिए बहुत वो है। सो देन एकदम कहता है अच्छा आपको ना मैं बहुत स्ट्रांग सी दवाई लिख के देता हूँ, आप वो लो और दो हफ्ते बाद मुझे इन्फॉर्म करना, तो आप जाओ। तो एकदम उसने ये बोला तो, और उसने अपना पर्सनल नंबर दिया कि रात के 11 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी आपको कुछ तकलीफ हो तो मुझे एकदम फोन करना, मैं फोन पे मिलूंगा आपको। जबकि वो डॉक्टर ऐसा नहीं है, बड़ा ही फिनिकी और डांटने वाला, लाइक यू नो इस तरह का डॉक्टर। तो देन हम चले गए देहरादून, 15 दिन दवाई खाई ठीक था, 16वें दिन पेन हो गया। तो जो लेफ्ट राइट में पेन होती थी वो लेफ्ट में भी ट्रांसफर हो गया। तो देन मेरे हस्बैंड ने उसको, और रात को 11 बजे इतना जबरदस्त पेन, मेरे हस्बैंड ने उसको 11:30 बजे फोन किया। तो कहता है कि बस मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वही है और फटाफट आ जाओ, मैं रूम बुक कर रहा हूँ और मैंने रूम बुक कर दूंगा और आप सुबह यहाँ पे 11 बजे पहुंच जाओ। तो हम आ गए देहरादून से। रात को मैं बहुत अपसेट थी कि गुरुजी, मैंने क्या बोला कि आप मुझे ऐसे ही कर दो जो करना है, बट नॉट ऑल दिस। सो देन मैं रोई, खूब रोई, गुरुजी आपने कुछ नहीं सुना। और मेरी आंख लग गई और मैं क्या देखती हूँ कि एक चारपाई पे गुरुजी लेटे हैं एंड गुरुजी इतने वीक और पेल हो चुके हैं और इतने बुढ़े हो गए हैं कि वो उठ भी नहीं पा रहे, और मैं उनका बिस्तर लगा रही हूँ, उनका बिस्तर ठीक कर रही हूँ, उनको टच कर रही हूँ कि गुरुजी आपको क्या हो गया, गुरुजी आपको क्या हो गया। तो क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो तो ये चीज तो मायने नहीं रखती, तो नहीं रखती थी उस वक्त। तो आज तो सोचो तो कि बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कितना कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया। सो देन हम वहाँ पहुंच गए तो एकदम एक बाबा अंकल हैं, उनका फोन आया कि आंटी कितने हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला गुड़गांव में हैं हम दोनों। तो बोले आंटी ठीक है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला आंटी ठीक नहीं है, ताई असी गुड़गांव में चाहिए गए, नहीं तो असी देहरादून हो गए। तो बोले कि मैंने आपके घर आना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, आंटी को लेके जाना है और एडमिशन है और उन्होंने रूम बुक किया हुआ, तो डॉक्टर हमको वहाँ मिलेगा। तो बोले कि मुझे आना था अंकल। तो खैर फिर हम ऐसे बाहर जाने के लिए तैयार हुए, तैयार ही थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ना अपना सामान ले आना, तो वही हम निकाल ही रहे थे घर से कि भाई लेके जाना है, एडमिट होना। सो देन बाहर निकलते ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला बाबा की कह रहे, क्या कह रहा था। तो कहते हैं कि वो कहता है उसको आना है यहाँ पर।
तो हमारी तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। मैं कहा कोई नहीं, उसको बोलो आ जाए। तो जैसे ही हम मेरे हस्बैंड ने उसको फोन किया कि आंटी कह रही है आ जाए, कहते मैं तो बाहर ही खड़ा हूँ अंकल, तो मुझे तो आदेश है गुरु जी का कि वहां पहुंचना है तुमने। तो वो बैठ गए और गुरु जी का आदेश ये था कि पहले सत्संग करना, 3-4 घंटे बैठे रहना, हिलना नहीं है। तो 3-4 घंटे वो बैठे रहे और फिर बोलते हैं कि गुरु जी उनको दर्शन देते कई बार। ही इज अ वेरी प्योर सोल, लाइक जब वो डीप इनटू मेडिटेशन में चले जाते हैं, जो कोई नहीं जा सकता, बहुत रेयर होता है वो। ऐसे नहीं कि गुरु जी ये दिख रहे हैं, गुरु जी ये, गुरु जी वो है, और वो उसको हाईलाइट भी नहीं करेंगे, वो जिसके लिए है उसको ही बताएंगे, बहुत रेयर होता है। ऐसे नहीं कि हर एक के लिए आते हैं। सो और वो ये भी बोलेंगे कि आंटी आप मेरा नाम मत लिया करो, बट मैं तो लेती हूँ, गुरु जी बुलवाते हैं तो मैं लूंगी। तो देन ही सेड कि गुरु जी ने बोला है कि भाटिया आंटी की रिपोर्टें ठीक नहीं है, आंटी रिपोर्टा के चक्कर विच पई हुई है, डॉक्टर के चक्कर विच पई हुई है, ओनू कहो कि जो करना है मैं करना है, और ओनू घबराने की लोड़ नहीं है, ओनू कुछ नहीं होने दियांगा। तो खैर मैं किसी के मैसेजेस नहीं लेती, हालांकि उसका भी मैंने नहीं लिया। और फिर मैं नेक्स्ट डे अपना डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मैंने उसके मैसेज को नहीं एक्सेप्ट किया। तो मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के गई, तो डॉक्टर एकदम मुझको देखकर गुस्सा करने लग गया कि मैं हमको कि तुम पागल हो, तुमको कल आना था, तो अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो देन इतनी लेट तुम क्या हुआ, आप मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ प्लीज। हाँ तो देन गुरु जी का जो सत्संग है ना वो, फिर उसने कहा सो देन उसने सेट की भाई लाइक तुम पागल हो, तुम इतना टाइम वेस्ट कर दिया ना। फिर एकदम ही बिठाया हमको, फिर अपना वो पैड निकाला प्रेस्क्रिप्शन का, फिर कहते क्या क्या हुआ आपको, कुछ भी नहीं, भले चंगे तो हो, और ये वॉबरन की गोली अगर पेन हो रहा है आपको तो वॉबरन की गोली खाओ, एंटी एसिड की, अगर वॉबरन से एसिड बनता है तो ये खाओ, जाओ ऐश करो। और वो डॉक्टर तो ऐश वर्ड बोलेगा ही नहीं कभी, जाओ भले चंगे हो, अच्छे तो लग रहे हो, जाओ ऐश करो। तो हम तो बड़े खुश, हम आ गए। अब ये सत्संग यहाँ ही खत्म होता है, इसका एक पार्ट और है। तो एक गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि जाके सत्संग करने जगह जगह, एक ऋतु आंटी है तो वो शॉर्ट में कर रही हूँ ना, कि वो मुझे आ जाती थी फटाफट घर के बाहर कार लेके, आंटी क्या कर रहे हो, चलो चप्पलें पहनो बाहर निकलो और चलो कहीं चले चलना है, सत्संग करना है, आपको गुरु जी का आदेश है सत्संग शहरी का। तो ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती थी, एक दिन आया कि आपको चलना है, चलो मैंने कहा ठीक है, तो मैं आ गई, क्योंकि मैं भी वहाँ अकेली होती थी दिन में। सो देन उसने फिर बताया कि कोई बहुत बीमार है, मेरी फ्रेंड है, उसको लास्ट स्टेज कैंसर है और उसको सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा ठीक है, जो भी है, आप तो ऐसी जगहों पे ही ले जाते हो मुझे। बोले रास्ते में हम कहीं रुकेंगे, कोई हमको गाइड करेगा, देन विल गो। तो वो एक और लेडी आई, बड़ी हाई फाई थी, बोली कि आप 10 मिनट में जो भी बोलना है ना आपने गुरु जी के बारे में आप बता देना, और दैट्स इट, क्योंकि वो इतनी देर नहीं बैठ सकते। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो भी है सुन ली बात। तो हम चले गए, जब उस लेडी को लेके आए तो माई गॉड, उसको 4 जने पकड़ के ला रहे हैं, शी वॉज सो लाइक। और लेडी का एक बच्चा 10th में था, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट आया हुआ था उस दिन कि उसकी कितनी परसेंटेज आ रही है, वो डिस्कस हो रहा था, इसी उम्र के 2 बच्चे थे उनके। तो कि 10 मिनट उसको, मेरे को यही गुरु जी कहाँ फंसा देते हो, इसका क्या होना है, ये तो गई हुई है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो गुरु जी शायद आपकी लीला, उसको ऐसे करा के मुक्ति होनी है आपके सत्संग सुन के या जो भी, इसमें कुछ नहीं है, लाइक कि गुरु जी ऐसी ऐसी जगह भेज देते। सो देन सत्संग शुरू हुआ, संगत जी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो 2-2.5 घंटे तक वो लेडी सत्संग सुनती रही। वो ऐसे उसको इतनी स्ट्रेंथ आ गई उस सत्संग को सुन सुन के कि वो सुनती रही। फिर उनके साथ जो एक लेडी, जो और लेडीज थी, काफी 2-4 लेडीज थी, तो उन्होंने बोला कि आंटी ये सब तो उनके टाइम के हो गए ना, अब तो वो चले गए मनुष्य रूप छोड़ के, उनके बाद वाला कोई सत्संग सुना। सो ये वाला सत्संग बिल्कुल लेटेस्ट था, रिसेंट था, तो मैंने ये सुनाया, पूरा सुना ध्यान से। फिर कहते हैं आंटी आपने किसी डॉक्टर का नाम लिया, मैंने कहा हाँ, फिर से बताना कौन सा डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर रमन अभी।
तो बोले आंटी पता आप कहाँ हो, ये डॉक्टर रमन अभी का घर है, यू आर सिटिंग हियर। एंड आंटी, वो आंटी ने सत्संग सुना, शी इज जिंदा, आज इतने साल 2007 2023 आ रहा है, मैं जिंदा, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये कौन कर सकता है, भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो पर डॉक्टर रमन अभी नहीं मानते, डॉक्टर रमन अभी मेरे हस्बैंड की फाइलें फेंकते हैं बिकॉज इज डायबिटिक और बहुत ही मिसयूज करते हैं, और जब देखते हैं उनकी क्रेटिनाइन के लेवल्स उठा के मुंह पे मारते हैं, क्या गुरु गुरु करते रहते हो, पढ़े लिखे पागल लोग। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना डॉक्टर साहब, अपनी क्रेटिनाइन नीचे लाके, कहते हैं वो नहीं होती नीचे कभी, तुम्हारे जैसे लोगों की तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो देन बोला कि मेरे, कहते अगर हो गई तो मैं सारे तुम्हारे वो फीस माफ कर दूंगा। और मेरे हस्बैंड ने प्रे करके उसको नीचे लाया, बोला माफ कर तू मेरी फीस। तो अब वो बहुत सॉफ्ट हो गया थोड़ा, पहले तो गालियां देते थे, माई वाइफ को भी तो उन्होंने ठीक किया। तो इट्स लाइक दैट, दैट्स गुरुजी भगवान हम लोगों की लाइफ में। शुक्राना, थैंक यू।